हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी ईडीडी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है, कॉरिडोर वायरिंग कितने टाइप्स की होती है। कॉरिडोर वायरिंग जिसके द्वारा वह वायरिंग जिसके द्वारा किसी कॉरिडोर के सारे लाइट पॉइंट को कंट्रोल किया जाए, कॉरिडोर वायरिंग कहलाती है। यानी वह वायरिंग, कॉरिडोर वायरिंग वह वायरिंग का वह सर्किट जिसके द्वारा कॉरिडोर के सारे लाइट पॉइंट की कंट्रोलिंग की जाए, कॉरिडोर वायरिंग कहलाती है। कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है? वायरिंग का वह सर्किट जिसके द्वारा लाइट पॉइंट के सारे पॉइंट्स, यानी सारे पॉइंट्स को कंट्रोल किया जा सके, कॉरिडोर वायरिंग कहलाती है। कॉरिडोर वायरिंग दो प्रकार की होती है, एक क्लोज्ड कॉरिडोर वायरिंग, एक ओपन कॉरिडोर वायरिंग। क्लोज और ओपन कॉरिडोर है इस, देखो, वायरिंग का वह सर्किट जिसके द्वारा किसी कॉरिडोर के सारे लाइट पॉइंट्स की कंट्रोलिंग की जा सकती है, उसे कॉरिडोर वायरिंग कहते हैं। कॉरिडोर वायरिंग दो प्रकार की होती है, ओपन कॉरिडोर वायरिंग, क्लोज कॉरिडोर वायरिंग। क्लोज कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है? इसको गो डाउन वायरिंग कहते हैं, गो डाउन वायरिंग। इसमें क्या होता है, क्लोज कॉरिडोर वायरिंग वह कॉरिडोर है जो एक तरफ से खुला होता है और एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुला होता है और एक तरफ से बंद होता है। इसके वायरिंग सर्किट में तीन टू वे स्विच का यूज करते हैं और एक वन वे स्विच का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक टू वे स्विच और तीन वन वे स्विच का यूज करते हैं। मतलब कि जितने हमें आपको पॉइंट्स, जितने बल्ब जलाने हैं, उतने में से एक कम, यानी जैसे पांच बल्ब जलाने हैं तो चार आपको क्या करने हैं, आपको टू वे स्विच यूज करने हैं और एक वन वे स्विच। टू वे स्विच में कितने टर्मिनल्स होते हैं? टू वे स्विच में तीन टर्मिनल्स होते हैं, वन वे स्विच में दो टर्मिनल्स और इंटरमीडिएट स्विच में चार टर्मिनल्स होते हैं, ठीक। तो इसमें करना क्या है, हमें एक कॉरिडोर है उसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग इस तरह से करनी है, जब भी हम एंटर करें तो उसमें अंधेरा हो रहा होगा, हम स्विच फर्स्ट को जलाएंगे, फर्स्ट स्विच को जब जलाएंगे तो क्या होगा, तो लाइट, पहली लाइट जल जाएगी। जैसे ही हम एंटर करेंगे, दूसरा स्विच जब प्रेस करेंगे तो पहली लाइट ऑफ हो जाएगी और दूसरी लाइट जल जाएगी। ऐसे ही एंटर करेंगे थर्ड, फिर एंटर करेंगे हम थर्ड स्विच पे आ जाएंगे, थर्ड स्विच पे जाके क्या होगा, दूसरी लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी और तीसरी लाइट जल जाएगी। फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ स्विच पे थर्ड लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी, फोर्थ लाइट जल जाएगी। मतलब क्या कि एक लाइट आपकी बंद होगी, दूसरी आगे, उसके आगे अगली वाली लाइट खुल जाएगी। जैसे कि मान लो इस तरह से कोई कॉरिडोर है, यहाँ पे कुछ फैंस बल्ब्स लगे हुए हैं, एक दो तीन चार बल्ब लगे हुए हैं, इनके आगे ये स्विच है, ये स्विच लगे हुए हैं। करना क्या है, हम स्विच इस वाले स्विच पे गए, S1 पे हमने प्रेस किया, लाइट ये वाली जल गई, बल्ब B1 जल गया। फिर क्या करें, हम आगे गए, उजाला हो गया। फिर क्या करें, हम B2 पे गए, सॉरी S2 स्विच पे गए, S2 जैसे ही हमने प्रेस किया, लाइट B1 ऑफ हो गई और लाइट B2 आपकी जल गई, B2 लाइट जल गई। फिर क्या करा, हमने स्विच S3 पे गए, S3 पे जाके हमने क्या करा, S3 प्रेस किया, S3 पे जाके गए तो क्या हुआ, लाइट आपकी B3 जल गई और B2 ऑफ हो गई। फिर हम स्विच S4 पे जाएंगे, S4 पे B3 आपकी बंद हो जाएगी और B4 जल जाएगी। इस तरह से हम बैक भी करेंगे उसी तरह से। ये होती है आपकी क्लोज्ड कॉरिडोर वायरिंग। अब इसका हम वायरिंग डायग्राम देखते हैं, वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। वायरिंग डायग्राम चार हमने स्विच ले लिए, S1, S2, S3, S4। चार स्विच ले लिए हमने, S1, S2, S3, S4। S1, S2, S3, S4 चार स्विच ले लिए और चार बल्ब हैं आपके B1, B2, B3, B4। ये चार बल्ब हैं आपके B1, B2, B3, B4। अब चारों बल्ब को हमें जलाना है, क्या करेंगे हम,
किसी भी बल्ब को जलाने के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, दूसरे फेज की आवश्यकता होती है। क्या करेंगे हम, यहाँ से न्यूट्रल हमने सीधा बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, सीधा न्यूट्रल को हमने B1 से कनेक्ट किया, B1 से होता हुआ B2 पे गया, B2 से V3 और V3 से B4। ठीक, क्या करा, न्यूट्रल को हमने सीधा कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल को B1, B2 और B3, V4 न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, फेज को कनेक्ट करेंगे। फेज को कनेक्ट कर कैसे करेंगे, फेज को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्विच से कनेक्ट करते हैं फेज को। आपको पता ही है स्विच कौन सा यूज करना है, हमें एक बनबे स्विच यूज करना है, यानी पहला स्विच जो भी होगा वो बनबे स्विच होगा और उसके बाद जितने भी स्विच लगे होंगे वो टू वे स्विच यूज किए जाते हैं। हमने S1 बनबे स्विच यूज करा, फेज को सीधा कनेक्ट कर दिया और फिर इसका सेकंड टर्मिनल्स को हमने दूसरे वाले स्विच के से कनेक्ट कर दिया, कौन से, साइड वाले, और मिड वाला जो भी टर्मिनल्स होगा उसको बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। मिड वाले टर्मिनल्स को सारे जितने मिड में टर्मिनल्स होंगे सबको क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हमने। अब क्या करा है, देखो हमने स्विच S1 प्रेस किया, S1 जब हम प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, यानी फेज आपका B1 को चला गया, फेज चला गया B1 को, न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, आपके लाइट वन जल गई, लाइट जल गई। अब क्या करेंगे हम, स्विच S2 पे जाएंगे, S2 कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, S2 इस तरह से कनेक्ट होगा। एक इस वाले साइड टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, ये टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा और क्या होगा, आपको फेज यहाँ से मिलता चला जाएगा और ये फेज यहाँ चला गया, न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक, लाइट B2 जल गई और B1 आपकी यहाँ से, जब ये यहाँ से ये कट हो जाएगा तो B1 लाइट ऑफ हो जाएगी। फिर ऐसे ही हम S3 पे जाएंगे, S3 पे क्या होगा, S3 पे जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा और आपको फेज यहाँ से मिलता चला जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से। ऐसे ही आप S4 को करेंगे, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको फेज मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से ये बायरिंग डायग्राम बनता है। बायरिंग डायग्राम किस तरह से बनता है, क्या करा, न्यूट्रल को हमने सीधे कनेक्ट कर दिया इस तरह से और फेज को क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, स्विच से कनेक्ट कर दिया, इस S1 स्विच से, इस यहाँ से S2 को, यहाँ से S3 को, और क्या करा, इसके बीच वाले टर्मिनल्स को बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बीच वाले टर्मिनल्स को बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, सप्लाई जब यहाँ से, जब S1 स्विच प्रेस करेंगे ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और फेज आपका यहाँ से मिल जाएगा, न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, बल्ब B1 आपका जल गया, फिर क्या करेंगे, S2 को जब जलाएंगे तो क्या करेंगे, इस वाले स्विच को प्रेस करेंगे, ये टर्मिनल्स यहाँ से डिस्कनेक्ट होके यहाँ से मिल जाएगा, इससे यहाँ से क्या होगा, आपको फेज मिलता चला जाएगा और न्यूट्रल आपको मिल ही रहा है, तो क्या होगा, आपकी लाइट जल जाएगी B2। ऐसे इसी तरह से हम S3 को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से ये टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, आके कनेक्ट हो जाएगा और B2 आपका बंद हो जाएगा, B3 आपका जल जाएगा, इसी तरह से B3 जल जाएगा क्योंकि न्यूट्रल आपको पहले से ही मिला हुआ है। S4 में क्या करेंगे, जब कनेक्ट करेंगे तो ये टर्मिनल इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कट के यहाँ B3 बंद और आपका B4 बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका वायरिंग डायग्राम। अब इसके बात करते हैं इसके स्कीमेटिक डायग्राम की और सिंगल लाइन डायग्राम की। सिंगल लाइन डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो क्या करा हमने, चार बल्ब लगा दिए सिंगल लाइन डायग्राम में, क्या करेंगे, चार बल्ब लगा दिए और चार स्विच लगा दिए, ये आपने स्विच लगा दिए S1, S2, S3, S4 और ये आपने बल्ब लगा दिए B1, B2, B3, B4। ठीक, B4 चार बल्ब लगा दिए,
अब क्या करेंगे, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया जैसा आपका है, सीधा एक लाइन से एक लाइन खींची आगे और सीधा कनेक्ट कर दिया बल्ब से, और उसी और इसी लाइन को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब मेन प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, बाइट्स काउंट करने में आती है। तो बाइट्स काउंट करें, देखो यहाँ पे कितने बाइट्स जा रहे हैं, एक और एक दो, दो बाइट्स हमने दिखा दिए यहाँ पे। फिर आगे S1 के पास कितने वायर हैं, S1 के पास एक वायर ये है और एक ये है, कितने वायर दिखा दिए हमने, दो वायर दिखा दिए। फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे यहाँ की बात हो गई, अब देखो बल्ब पे आ जाओ, बल्ब B1 पे कितने वायर हैं, एक एक ये दो और एक तीन, तीन एक दो तीन, तीन वायर दिखा दिए। अच्छा ये कितने वायर्स हैं, देखो दो वायर्स हैं, एक ये है और एक ये जा रहा है, ये दो वायर्स हैं, ये दो वायर हमने यहाँ दिखा दिए। इसी तरह से दो वायर्स हम यहाँ दिखाएंगे, तो और स्विच बोर्ड पर कितने वायर्स हैं, एक दो तीन, एक दो तीन दिखा दिए। इसी तरह से S3 पे एक दो तीन वायर्स, तीन ऐसे ही आप S4 पे दिखाएंगे वायर। अब आती है इसकी बात, बल्ब B2 पे कितने वायर्स, आसपास कितने वायर्स हैं, देखो एक ये जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक दो और एक तीन, कितने वायर्स दिखा दिए B2 पे, तीन वायर्स दिखा दिए B2 पे। B3 पे कितने वायर्स हैं, एक दो तीन, तीन वायर्स। B4 पे कितने वायर्स हैं, भाई दो वायर है, एक ये एक ये दो वायर्स। अच्छा यहाँ पे कितने वायर्स हैं, एक दो, दो हमने ये दिखा दिए। यहाँ पे कितने वायर्स हैं, एक और एक दो, दो वायर्स हमने यहाँ दिखा दिए। इसी तरह से एक और एक दो, दो वायर्स ये, दो वायर्स हमने यहाँ दिखा दिए। ये बन गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम में मेनली हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मेनली हमें नंबर ऑफ वायर्स काउंट करने की होती है। और याद रखना हमेशा तीन तक तो हम लाइन खींचते हैं, तीन वायर्स तक लाइन खींचते हैं। जैसे ही आपके लाइन नंबर ऑफ वायर्स चार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नंबर चार नंबर डाल देते हैं, मतलब वायर्स एक लाइन खींच के और उस पर नंबरिंग कर देते हैं। जितने तीन से ऊपर हम नंबरिंग करते हैं और तीन तक हम लाइन्स खींचते हैं, ऐसा ना हो एग्जाम में लाइन्स ही खींचते रहो, इसलिए ध्यान रखना चार ही, तीन से ज़्यादा हम हो अगर वायर तो लाइन खींचेंगे। अब बात करते हैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज न्यूट्रल, तीन हमने बल्ब लगा दिए, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, तीन बल्ब लगा दिए, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, ये तीन सॉरी चार स्विच लगा दिए, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, चार स्विच हैं आपके, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर। अब करना क्या है आपको, एस वन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, सप्लाई कैसे स्टार्ट चेक करते हैं, एस वन को आपने प्रेस किया, ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, एस वन कनेक्ट हो गया, सप्लाई को सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो गई बल्ब बी वन के लिए। देखो फेज यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया, न्यूट्रल यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया, बल्ब आपका बी वन जल गया, बी वन के लिए आपके लिए सप्लाई प्राप्त हो गई, बी वन जल गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप स्विच एस टू पर जाओगे, एस टू प्रेस करोगे, एस टू जब प्रेस करोगे तो क्या करोगे, ये वाला टर्मिनल जो है, ये वाला टर्मिनल यहाँ से डिस्कनेक्ट होके इससे मिल जाएगा, इस वाले से मिल जाएगा, और आपकी सप्लाई S2 में आनी शुरू, इस वाले इसमें आनी शुरू हो जाएगी, B2 में, यहाँ से B2 में आनी शुरू हो जाएगा आपका फेज, और न्यूट्रल आपको ऑलरेडी मिल रहा है, B2 चल जाएगा, B1 आपका यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और B1 आपका बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, S3 पे आएंगे, S3 पे क्या होगा, ये जो टर्मिनल्स है, ये वाला टर्मिनल्स यहाँ से डिस्कनेक्ट होके इस तरह से मिल जाएगा, और सप्लाई आपकी यहाँ से फेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और बी सब यहाँ से फेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा बी थ्री के लिए, और न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, बी थ्री जल जाएगा और बी टू चूँकि डिस्कनेक्ट हो गया, बी टू आपका बंद हो जाएगा। ऐसी तरह से हम क्या करेंगे, एस बी एस फोर आएंगे, एस फोर पर यहाँ से जब प्रेस करेंगे इसे तो ये टर्मिनल्स यहाँ से इसके कॉन्टैक्ट कट जाएंगे और इस तरह से ये कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे और यहाँ से आपका फेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फेज बी फोर को
बी4 को क्या होगा, फेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूट्रल आपको नीचे से मिल रहा है, इस तरह से आपकी ये बल्ब बी4 जल जाएगा और बी3 बंद हो जाएगा। समझ में आया? सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे था आपका, समझ में आ गया होगा? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू क्लास। कल हम बताएंगे आपको ओपन कॉरिडोर वायरिंग। थैंक यू क्लास।